और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। यह हमारा सौभाग्य है कि सरदार अटल जी की स्मृतियों को इन 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने, एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने, बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर, यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी, और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है? प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले
समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश को, देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे पीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे? इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि गरीबी, एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं, और लगातार यही कारण है कि सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, सरकार के पास भी था, बीओसी बोर्ड के पास भी था, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कार्य हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है, डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के। अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है, 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हां, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं, और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसील है, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे, और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है, और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज गहरे धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका एक मॉडल अटल आवासीय विद्यालय के रूप में आप सबके सामने है। और फिर पांचवें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का मतलब 2000 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे जो बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के माध्यम बनेंगे। इन विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय हमारे छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए हैं। इनमें कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा रही है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, इनमें खेलकूद की गतिविधियों की भी जानकारी दी जा रही है, कला और संगीत की भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन 57 विद्यालय जो बनेंगे नए, इन 57 विद्यालयों में
पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे अध्ययन करेंगे और उनमें बाल वाटिका भी बनेगी, यानी प्री प्राइमरी के लिए भी 3 से लेकर 5वीं क्लास तक के एक प्री प्राइमरी से यानी तीसरे वर्ष से लेकर 5वें वर्ष तक के बच्चे को भी हम वहां एडमिशन दे करके एक बाल वाटिका का संचालन भी वहां पर करवा करके नई पीढ़ी को भी इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिससे वह भी अपने भावी विद्यालयों को देख सके। इन विद्यालयों में एक व्यवस्था और की गई है हेल्थ चेकअप का, स्पोर्ट्स के साथ साथ हेल्थ चेकअप का भी। निवेदन का हेल्थ चेकअप होगा क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से ये लोग तभी तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना इनके मन में पैदा होगी। और इसी विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। मैं यहां के शिक्षकों से यही कहूंगा, इन बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो बौद्धिक रूप से परिपक्व हो, उनकी प्रतिभा को बिना भेदभाव के समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और जो कुछ भी आपने सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं, वह बताने की आवश्यकता और यह भी दिखाने की आवश्यकता है कि हर बच्चे का एक ही ध्येय हो और वह होना चाहिए कि मेरे लिए जीवन में पहला कोई प्राथमिकता होगी तो मेरा राष्ट्र होगा, मेरा देश होगा। अपने देश के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। यह भाव समाज और राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। अगर ये भाव के साथ वे कार्य करेंगे तो न केवल इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना और सदैव अटल जी की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, अपितु आने वाले समय में तमाम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल को देख करके हमें तमाम लोगों ने ऑफर किया कि साहब हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं विद्यालय बनाने में। और मुझे विश्वास है कि अवश्य ये सपना साकार होगा। हम शिक्षा की में आमूलचूल परिवर्तन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को पूरी मजबूती के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण की और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग व्यावहारिक धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय शैक्षिक सत्र आज प्रारंभ हो रहा है और मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रबंधन से कहूंगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर हाल में हम लोग इनकी जो भी इंट्रेंस एग्जाम होती है वह 15 जून तक संपन्न करवा करके हमारा प्रयास होना चाहिए।